दोस्तों, आज की डेट पे आपने देखा होगा दो मामले बड़ी ट्रेंड है, इंटरनेशनल मामले हैं, आपको पता हो तो, सीमा हेदर, ठीक है, और अंजू जो कि फतेमा बन चुकी है। आज की डेट पे ना इंडिया तो यही चाह रहा है कि ना तो सीमा हेदर चाहिए हमको, ना ही अंजू चाहिए अब आपको। जी हाँ, ये देश के लिए सबसे बड़े खतरा आज की डेट पे देखा जाए। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इनके साथ जो मिले हुए हैं ना, वो भी देश के लिए खतरा है और देश की सुरक्षा में आंखें खोल भी दी हैं। ठीक है, सीमा हेदर वाले मामले में तो भैया सीमा को वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा का मामला है और इनके साथ जो रखे है होते हैं, ये सचिन जैसे लोग होते हैं ना, इनको भी 120 षडयंत्र के तौर पर इनकी अच्छी जांच कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सीमा हेदर को कानूनी तौर पर कोई भी नागरिकता नहीं मिल सकती है। जी हाँ, कोई लोक युक्त में या देश भलाई में इसको नागरिकता दी जाएगी ना, ऐसे भी 7 साल रहने वाला होता है अनिवार्य, ऐसे नहीं मिलने वाली इसको। ठीक है, और एक तो वो भी नहीं चाहिए, दूसरी अंजू है, इसका पिता खुद कह चुका है कि भाई मेरे लिए मर चुकी है औलाद, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी आत्मा को शांति मिले अंजू देवी को, जो कि फातिमा बन चुकी है, अब पाकिस्तानी भाभी बन चुकी है वह, क्योंकि मामला तो बराबर का है भाई। पहले आप सीमा भाभी को लेके आए हैं, तो वह अंजू को फातिमा भाभी बना ली, अब भैया आगे का क्या होता है वो देख लीजिए आप लोग। लेकिन इसमें इनके पतियों का कोई दोष नहीं है भाई, चाहे वो पाकिस्तान का हो, सीमा हेदर का पति हो, ठीक है, चाहे वो अंजू का पति हो, इनके माँ पिता को बिना वजह से मीडिया में जो घुमा फिरा कर इनको जो की जा रही है, जो ली जा रही है इनके बार बार, इनको कोई नहीं जानता। आज मीडिया में इनकी जो इनको नींद भी नहीं आने देता हुई, ये मीडिया ना बड़ा हरामी है, पिच्चा पड़ जाता था, माइक लगा लगा के पूछते हैं इनको बार बार, कैसे भगी, कैसे गई, क्या प्लान था। अबे साला, उसको प्लान का पता होता, ये सब चीज़ें का पता होता तो वो जाने क्यों देता। दिक्कत तो यही है ना कि किसी के दर्द में मजे ले रही है मीडिया आज की डेट पे, तो देखा जाए, और मीडिया को बड़ा अच्छा गरम मसाला मिल चुका है आज की डेट पे। तो भाई यही है, इंडिया की जनता तो यही चाह रही कि ना तो सीमा भाभी चाहिए, ना अंजू गई है वापस आनी चाहिए। हकीकत तो यही है, दोनों ही देश के लिए खतरा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए होने वाली, अगर इनको सुरक्षा इनको बढ़ावा दिया गया, क्योंकि मीडिया को तो मसाला मिल गया, तो ये बहुत सारे करेंगे। ये बहुत सोना बाबू इंटरनेशनल लेवल पे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये भागा दौड़ी करेंगे इधर की से उधर। तो भाई सतर्क और सावधान होने का टाइम आ चुका है आज की डेट पे। ठीक है, कुल मिलाकर ये है। तो अब आपका क्या ओपिनियन है, आप भी